अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीदा किचन क्वीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ में रगड़ा पेटीज की रेसिपी। तो रगड़ा बनाएंगे और पेटीज बनाएंगे और इमली का पानी और तेज़ पानी की रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हम लोग रगड़ा और पेटीज कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग वाइट मटर ले लेंगे। और इसे हम लोग अच्छे से वॉश करके इसे सोक करने के लिए रख देंगे। तो इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए सोक करके रखना है और अच्छे फूल जाने के बाद फिर हम लोग इसे एक प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने डाला है ग्रीन चिली का पेस्ट, डाला है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी डाला है मैंने 1 टीस्पून और थोड़ा सा हींग डाल देंगे हम लोग चुटकी भर। और इसे 3 से 4 विसल आने तक हम लोग रोकेंगे। तो चलो ये जब तक बन रहा है तब तक हम लोग पेटीज बना लेते हैं। तो पेटीज बनाने के लिए मैंने 5 से 6 आलू को अच्छे से बॉईल कर दिए हैं। तो अभी मैं इसे मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद फिर हम लोग इसके पेटीज बनाएंगे। पेटीज बनाने के लिए सिर्फ हमें इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ हमें सॉल्ट ऐड करना है और थोड़ा सा हमें हरा धनिया ऐड करना है। तो देखो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरा धनिया ऐड कर दिया है और चाट मसाला 1 टीस्पून चाट मसाला हम लोग ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे पेटीज बना देंगे। पेटीज आप कौन से भी शेप में बना सकते हो, हार्ट शेप में, स्क्वायर शेप में या फिर राउंड शेप में। तो मैंने इधर राउंड शेप में पेटीज बना कर रखी हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें पेटीज बनाना है। आप बड़े चाहे बड़े बना सकते हो, छोटे चाहे छोटे बना सकते हो। मैंने तो ये मीडियम पेटीज बनाया, तो इसी तरह से मैं सब पेटीज बना दूंगी। पेटीज बनाने के बाद हम लोग एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन पे इसे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके हमें इसमें पेटीज रख देना है और स्लो गैस पे हमें इसे रख देना है। और थोड़े से लाल होने के बाद हम लोग इसे पलट देंगे। तो अच्छे से हल्का कलर आ गया है। तो देखो ये अच्छे से हो गए पेटीज हो गए। तो चलो अभी हम लोग जो रगड़ा भी हमारा रेडी हो गया है 3 से 4 विसल आने के बाद वो अच्छे से गल चुका है। तो एक प्लेटिंग कर देते हैं हम लोग। प्लेटिंग में मैंने 2 पेटीज डाला है, उसके ऊपर मैं रगड़ा डाल दूंगी। तो इसमें अब मैं ग्रीन चटनी डाल दूंगी और इमली की जो चटनी बना के रखे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आपको आपके हिसाब से डालना है, आप कितना खट्टा पसंद करते हो, कितना तीखा पसंद करते हो। तो ये मैंने 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है इसमें 1 टीस्पून, चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून और ये चना है जो बाहर मिलता है हमें रोस्टेड चना, वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अनियन डाला है मैंने चॉप करके, कोरिएंडर चॉप करके डाला है। और हम लोग इसमें बारीक नायलॉन सेव बोलते हैं इसे, वो डाल देंगे। और आधा नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो बहुत ही मज़ेदार हम लोग का ये रगड़ा पेटीज बन चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। आप इसे लंच में खा सकते हो, डिनर में खा सकते हो और स्नैक्स में तो आप खा ही सकते हो इसे। तो मैं आपको रगड़ा पूरी भी कैसे बनाते हैं मैं बता रही हूँ। तो ये अपने पूरी ले लिए, पानी पूरी की जो पूरी आती है उसमें हम लोग रगड़ा और पेटीज दोनों डाल देंगे। तेज़ पानी डाल देंगे, इमली की जो चटनी बना के रखी वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑनियन टमाटर और धनिया पत्ता हम लोग इसमें डाल देंगे और इसके मज़े लेंगे। तो आप भी इसके मज़े लीजिए। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। बहुत ही आसान सी, बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बच्चों को सबसे पसंद आती है, बाहर भी हम लोग स्ट्रीट पे खाते ही है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।